Hello friends, I am Nidhish Srivastav from Lids Pharma classes. Today I will discuss about heterocyclic compounds. Heterocyclic compounds are those cyclic compounds in which one or more of the ring carbon atoms are replaced by another atom, and these another atom are called heteroatom. Basically में heterocyclic compounds वो cyclic compounds होते हैं जिनमें की एक या एक से ज्यादा carbon atom replace हो जाता है by another heteroatom के through. The most common heteroatoms are nitrogen, oxygen and sulfur, and other atoms are boron, phosphorus और silicon. बेसिकली जो नॉर्मल कॉमन हम यूज करते हैं हेट्रोएटम्स वो आपके होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर. इसके अलावा हम अदर हेट्रोएटम्स भी यूज कर सकते हैं जैसे कि बोरॉन, फास्फोरस और सिलिकॉन. द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर पायरोल, फ्यूरॉन, थायोफिन एंड इंडोल. अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. यहाँ पर हम दो प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. इफ अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं तो जो भी ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होती है. जैसे कि कोई भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मान लो हम पायरोल की बात करते हैं तो उसकी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी जैसे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उस कंपाउंड के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा. उसी जगह अगर हम फ्यूरॉन की बात करेंगे तो वो कुछ और होगा. तो ये हम जब आगे पर्टिकुलर कोई रिंग की बात करेंगे तब हम उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे. जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स की डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होगी. बट दोनों में एक चीज कंपल्सरी है कि कोई भी रिंग में एटलीस्ट वन कार्बन एटम का होना बहुत जरूरी है.